सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में दो गेम प्ले रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और आप सभी को पता चल चुका होगा जो अपना BGMI है ना, ये दोबारा से इंडिया में बैन होने वाला है। अब बैन होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर देखो, जो अपना यूट्यूब चैनल पर जाकर अगर सर्च करोगे ना भाई, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के जो ऑफिशियल चैनल है ना भाई, उसमें अगर जाके देखोगे भाई, 15 घंटा पहले एक वीडियो भी अपलोड हुआ है। और जब मैं ये वाला वीडियो एडिट कर रहा था ना भाई, उससे 4 घंटा पहले बैटल ग्राउंड जो मोबाइल ऑफिशियल जो चैनल है ना भाई, उस पर और एक वीडियो अपलोड भी हुआ था, जिसमें मतलब अपना बॉलीवुड का कोई एक हीरो है जिसके साथ भाई कोलैबोरेशन भी हो रहा है। और बैन को लेके अगर कोई सीरियस बात होता ना, तो भाई जो अपना ऑफिशियल चैनल है ना भाई, उस पर वीडियो आता ही नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी नहीं लग रहा है कि BGMI जो है ना बैन होने वाला है। और BGMI को बैन करने के लिए टोटल 4 रीजन दिया गया, जिसमें से एक रीजन ऐसा होता है जो डाटा वाला लीक वाला जो रीजन था ना, इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि डाटा लीक के कारण BGMI को बैन किया गया था। और इस बार अगर डाटा के साथ अगर क्राफ्टन ने अगर कुछ छेड़खानी किया ना, कसम से बता रहा हूँ, जो BGMI है ना भाई, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, और आप मौका भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई गलती जो होता है ना भाई, एक बार दो बार माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर वो गलती करोगे तो भाई ऐसा कभी भी मौका देगा नहीं। अगर मेरे को भी ऐसा नहीं लगता कि जो क्राफ्टन है ना, ये डाटा के साथ कोई छेड़खानी करता होगा। और कुछ बंदा बोल रहा था कि जो अपना BGMI है ना, ये प्ले स्टोर और एप स्टोर से दोनों जगह से हटा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर क्राफ्टन वाले ने अगर डाटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, तो भाई BGMI बैन नहीं होगा। और इसका जो फाइनल डेट है ना, वो अगली वीक मतलब नेक्स्ट वीक को पता चल ही जाएगा। और जब तक ऑफिशियल की साइड से कोई भी न्यूज़ नहीं आता, तो आप लोग चिल मार के खेलो भाई, कोई सीन नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। एंड ऐसा मेरे को लगता है कि बैन नहीं होगा। अब बैन होगा कि नहीं होगा वो तो नेक्स्ट वीक पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सामने साइड जो बंदा होता है ना, वो बंदा भाई DP से मेरा 2 किल चुरा तो लिया था, लेकिन इसके साथ क्या फाइट होता है देखो। अब भाई ने यहाँ पर बहुत अच्छा डैमेज तो दिया था, लेकिन अगर इसी HP पे वाला बंदे को मारता हूँ तो भाई लाइक जरूर से कर देना। अब ये वाला किल देखने के बाद आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, लेकिन जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो ना, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लेना। अब प्रिजन वाला जो इवेंट होता है ना, उसको क्लियर करने के बाद यहाँ पर दूसरा जगह पे आ भी गया था। यहाँ पर सामने साइड एक बंदा भी होता है, लेकिन इसी मैच में ना एक बंदा मेरे को मारेगा, उससे मैं बदला भी लूंगा। और अपना जो BGMI है ना भाई, इसमें कुछ दिनों के अंदर अभी 3.1 का अपडेट भी आने वाला है, जिसमें जिनी वाला मोड तो आ रहा है, और वो वाला मोड खेलने में मजा आएगा। लेकिन अगर ये बैन वाला सीन अगर चलता रहा ना, तो शायद से डेट भी आगे हो सकता है। और अभी के टाइम ज्यादा रैंक पुश के टाइम ना, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो अपना सर्वर फ्रीज वाला जो हैकर है ना भाई, अगर वो आ जाता है, अगर आपके पास चैलेंज पॉइंट नहीं होता ना, तो भाई उसके अगेंस्ट ना भाई माइनस आपका लगता है। और अगर आप लोगों को कोई भी रैंक पुश के टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो भाई मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें मैं कुछ आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, तो वीडियो बना के मैं बता दूंगा। और आज का डेट का जो कॉन्करर पॉइंट है ना, अगर 5400 पॉइंट अगर आज का डेट में लगा देते हो, तो आपको मॉर्निंग में कॉन्करर भी मिल जाएगा। और कॉन्करर रैंक पुशिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो भाई जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। अगर उसमें हेल्प हो सकते तो मैं जरूर से वीडियो बना के बता दूंगा। अब गाड़ी लेके मैं स्कूल साइड आ तो गया था, लेकिन वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में एक बार बोला था ना कि एक बंदे के साथ बहुत अच्छा फाइट तो होगा, लेकिन यहाँ पर सामने साइड जो बंदा होता है ना, वो भी बहुत अच्छा खेलता भी है। अब ये जो बंदा मेरे को मारा ना भाई, इसको एक बार मैंने मार तो दिया था, लेकिन अभी भी मेरे पास रिकॉल होता, जो कि भाई यहाँ पर इससे मैं बदला लेने भी आऊंगा। अब यहाँ पर रिकॉल होने के बाद ये वाला बंदे से फाइट लेने के लिए आया तो था, लेकिन भाई यहाँ पर मेरे पास ना Level 1 की हेलमेट बेस्ड भी होता, ये वाला बंदा क्या गंदा डैमेज देता है देखो।
अब ये वाला भाई को मारने के बाद ना भाई अपना बदला तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ भाई ना मेरे को कमेंट करके बोलते रहते कि हर मैच में भाई प्लस कैसे निकाले। अगर आप लोगों को अच्छा खासा प्लस चाहिए तो भाई हर मैच में आपको 5-6 किल तो करना पड़ेगा, उसके बाद टॉप 10 या टॉप 5 भी करोगे ना आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम ना लॉबी बहुत अच्छा आ नहीं रहा है, और अच्छा लॉबी में अगर 7-8 किल करके अगर चिकन भी लोगे ना तो भाई उस लॉबी में मतलब ऐसे कुछ 30-35-40 के आसपास प्लस तो मिलते रहते हैं। लेकिन अभी के टाइम लॉबी इतना अच्छा नहीं आ रहा, अगर 7-8 किल करने के बाद भी अगर चिकन लोगे ना तो ऐसा कुछ 22-23 का प्लस मिल रहा है। अब सामने वाला जो स्क्वाड है उसके ऊपर बंदा था ना, उसके साथ यहाँ पर मैं फाइट तो ले रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को पता था कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज से तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए गाड़ी लेके ना मैं सीधा क्लोजिंग कर देता हूँ। और ये वाला मैच का जो एंडिंग वाला फाइट होगा ना भाई उसको जरूर से देखना, वो देखने के बाद तो लाइक तो आप कर ही दोगे। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद ना यहाँ पर टोटल मेरा 11 किल भी हो जाता है। उसके बाद गाय लेके और बंदर ढूंढते हैं, इस साइड आ गया था, यहाँ पर सामने साइड मेरे को एक बंदा स्पॉट भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है देखो। अब पता नहीं यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि ये वाला भाई को स्टार्टिंग में मैंने एक गोली कनेक्ट भी किया था, उसके बाद यहाँ पर शॉटगन से हेडशॉट भी मारा था, लेकिन पता नहीं भाई कैसे मेरी पेटी बनता है। अब जो भी है भाई यहाँ पर पेटी तो बन गया था, लेकिन आज का जो सेकंड वाला गेम प्ले होगा ना भाई इसको भी एंड तक जरूर से देखना। अब ये वाला फाइट आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद ना यहाँ से गाड़ी लेके और बंदा ढूंढते हुए मैं इस साइड आ गया था, यहाँ पर सामने साइड मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ, जो कि यहाँ पर मेरे को मारने के लिए स्प्रे भी लिया था, मेरे को लगा था कि शायद से वाला बंदा फाइट लेगा। लेकिन जैसे ये वाला बंदे से मैं फाइट लेने के लिए आता हूँ ना, तभी ये वाला भाई यहाँ से फाइट को छोड़ के यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये वाला किल देखो। अब ये वाला जो मैच होता है ना इसका जोन मिलिट्री की उस साइड बन रहा था, तो यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करने के लिए आया था, लेकिन सामने जो बंदा भी स्पॉट होता है उसको तो मारता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ब्लू हाउस सा होता है ना इसके ऊपर और एक बंदा होता है। अब ये वाला भाई को मारने के बाद ना यहाँ पर टोटल मेरा 6 किल भी हो गए थे, लेकिन 6 किल अगर मैं निकालूंगा तो भाई मेरे को प्लस नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ से गाड़ी लेके ना और बंदा ढूंढते मैं सामने साइड आ गया था, यहाँ पर क्या गलती करता हूँ देखो। और यहाँ पर जो गलती मैं करता हूँ ना भाई ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास गाड़ी होने के बावजूद भी भाई यहाँ पर मैं ओपन में रश करता हूँ। अब यहाँ पर छोटी सी गलती के कारण भाई मेरी पेटी भी बनता है, जिससे यहाँ पर मेरे को प्लस तो नहीं मिलता, और आप लोगों को ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।